तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज गाइस, हाँ तो सुभाष के सुन लेते सबसे पहले। हाँ, ठंडा हमको लग रहा बहुत ज़्यादा है सब दिन के मुकाबले, तो आज ठंडा तो बहुत है। उसका आज पता चलेगा क्या लिखना है उसमें क्लियर। तो गाइस, आज नाश्ता भी नहीं किया है। आज नाश्ता में कुछ था ही नहीं, टोस्ट था। टोस्ट तो भाई खा के चलिए, और कुछ नाश्ता वास्ता में था नहीं। मम्मी लोग को भी नहीं उठा, पैसा नहीं मांगे, और आ गए वैसे ही गाइस। हम खाने के लगना वीडियो हो रहे हैं, हम सोचिए क्या हो रहा। तो गाइस, अभी काश हम लोग जल्दी पहुंच जाए इकोनॉमिक्स का क्लास में, असाइनमेंट लिख, क्योंकि इसके बाद छुट्टी मिल जाएगा हम लोग को, ठंडा छुट्टी। तो गाइस, कल से तो नहीं आएंगे, कल से सुभाष तो नहीं आएगा गाइस, लेकिन हम आएंगे एक तो लास्ट दिन तक, और उसके बाद नहीं आएंगे। हमको नहीं आना है, हम सोच रहे आज बस सह लेंगे, उसके बाद तो आना ही नहीं है। बाप रे, थर्ड से तो यहाँ हमारी तो धान फट गई है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इतर सी हाँ। तो कॉलेज पहुंच गया है, और गाइस अभी 7:25 हो गया, लेकिन अभी तक मैम नहीं आई, तो आज इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट नहीं होगा। और हम लोग बैठे हैं अभी, हम लोग का क्लास 8:20 से है, बहुत गंदा है। और देखो गाइस, हम लोग का पीछे का सीन कॉलेज का बहुत। इससे तो मैं अपना फर्स्ट व्लॉग में दिखा चुका हूँ कॉलेज कैसा है, पूरा पूरा कॉलेज तो दिखाई दिया है। फिर सुबह का टाइम भी बहुत खाली है, ज़्यादा कोई आया भी नहीं है गाइस, ना सुबह सुबह कौन आएगा। अभी तक मैम खुद नहीं आई है, तो स्टूडेंट लोग का तो छोड़ दो ना सुबह। स्टूडेंट तो ज़्यादा अभी नहीं लग रहा, धूप निकल गया, धूप भी निकल गया गाइस। अभी अभी हवा चल रहा है आज, हवा तो चल रहा सुबह सुबह। आज पता नहीं, आज भी बहुत ठंडा लग रहा है। नहीं, आज इतना नहीं लग रहा, स्वेटर पहने हुए। हाँ हाँ, तुम इतना भारी स्वेटर पहन लिया है, और मेरा जो आर पार जा रहा है खाली यहाँ से। प्लस अंदर में भी एक गंजी था, वो भी उतार था, नहीं उतार तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैम आ गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं क्लास करने, लेट हो गया है। अभी 5 मिनट बाकी है गाइस, और मैम आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं क्लास करने। और हम लोग इको क्लास हो गया। तो गाइस, हम लोग क्लास कर लिए, और काली चरण अभी आया, कुछ क्लास नहीं किया। हम लोग का क्लास हो गया, तुम्हारे इकोनॉमिक्स तो नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, वो गाइस इकोनॉमिक्स का मैम आ गई, असाइनमेंट लिख लिया हम लोग, और असाइनमेंट 20 नंबर का है। ये जान के तो और अच्छा लगा कि 20 नंबर का पॉकेट का 20 नंबर मिलेगा हम लोग को। मतलब कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा पेज भी नहीं है, 8 ही पेज का। दो टॉपिक दिए हैं, उसमें से एक ही टॉपिक बनाना है। वो भी कूट कूट का जरूरत नहीं, इसे पेपर में जमा करना, पेपर में ये बना के जमा करना। अच्छा हुआ गाइस, नहीं तो इतना दूर से भूखे प्यासे आए हैं, और ऊपर क्लास भी नहीं होगा तो फिर मूड खराब हो जाएगा एकदम। अच्छा वो मैम आई 5 मिनट पहले ही। और खाली एक तो चीज बाकी है, जियोग्राफी का टेंशन हुई है। पॉलिटिकल भी तो, पॉलिटिकल हो रहा था क्या? पॉलिटिकल में थोड़ी देगा उसमें, हाँ उसमें भी असाइनमेंट हो सकता है, लेकिन जियोग्राफी का प्रैक्टिकल का बता रहे। हाँ, प्रैक्टिकल तो खाली जियोग्राफी में असाइनमेंट लिखा सकते, उसी का लिखना जरूरी है अभी थोड़ा। नंबर मिल गया तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं। और ये कॉलेज का पीछे तरफ का सीन है, उधर
कॉमर्स रूम भी इधर में है। घर आ गए उधर आज मम्मी साग बना रही है। आज साहिल भूखे प्यासे कॉलेज गया था। तो नाश्ता में क्या है मम्मी? नाश्ता कुछ नहीं है, भूखे रहो। बेचारा पैदल जाता है और भूखे भी जाता है। तो आज भूखे चल के गए सो रहे। नाश्ता में भी कुछ नहीं है तो एक ही बार भात खाना पड़ेगा। अभी 10:50 हो गया है। अब साहिल के जगह में कोई दूसरा बच्चा रहता तो कितना गाली होता है। हाँ, नाश्ता नहीं देती है, कॉलेज नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे ना क्या साहिल? तो पापा बोल रहे हैं अब दूसरा बच्चा रहता तो कितना गाली देता हम लोग को। तो गाइस वो देखो पी उधर है, उसके आलसी मम्मी उसको गोदी की हुई आज। अरे दिख नहीं रहा है, देखो पी। पी गुना है कि क्या आज? टॉयलेट कर दिया गाइस पी। तो गाइस और आज हम नहीं नहाएंगे, आज नहाने का एकदम मन नहीं है। बहुत नहा लिया तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही गाइस। और हमको भी बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। भात तो हो गया, दाल बातें खा लेते हैं साग के साथ। फिर और एक तो बात की, मेरा एक तो नया गाना आने वाला है, तो उसको शायद हम कोशिश करेंगे नया साल तक छोड़ देंगे। नया साल में मतलब 1 तारीख को पूरा छोड़ेंगे, सब कोशिश करेंगे और इसको एल्बम शूट करेंगे। मतलब कुछ स्टोरी वोस्टोरी में कुछ होगा वीडियो, ऐसे कोशिश करेंगे बनाने का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बोलते मम्मी।